गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुनी राधा पीछे जाओ निकाल के। ओम भूते महागणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायकाय नमो नमः, हेरंबाय नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पुष्पं समर्पयामि। ओम हृदय पार्थो गणपते नमो नमः, प्रतिष्ठार्थ चितावन समर्पयामि। चावचुरी ओम अस्य प्राणा विदुषन्तु अस्य प्राणा चरन्तु अस्य रक्तमर्दमान दिन आवाहन पूजन सुप्रसिद्धो भव सुप्रसिद्धो भव सुप्रसिद्धो भव। आम प्रधान बलदेव नाम कराते हैं। ओम हृदय महागणपते नमो नमः। सारे चीज पाँव में ही तो है। ओ मगदे महागणपति थोड़ा सा जल्दी स्पर्श करा दीजिए। यज्ञोपवीतं परमं वर्जुन प्रजापते सहजं पुनः आयुष्मद्रं गजोजयः। लेफ्ट टू राइट। आप इतने 20 साल से करते हो। नहीं नहीं मैं कंफ्यूज होता हूँ। ऐसे पहनते ही है और नहीं ऊपर से कहीं से वो दिख नहीं रहा। और पीछे तो ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। हाँ हाथ से छोड़ दीजिए, ये वाला हाथ छोड़ो पीछे से। हाँ बस एक हाथ में वो भी ले। हाँ उसको हाथ से भी ले लीजिए। उनकी सेवा कर सकूं बस यही मेरी कामना है। चांदनी जी क्या आपकी ऐसी मनोकामनाएं थी जो मन्नत थी कि बाबा के आशीर्वाद से पूरी हो गई पिछले 4 साल जिंदगी के और उसके पहले की कितना डिफरेंस है? बप्पा ने बहुत कृपा की है। हाल ही में मैंने अपनी फिल्म रिलीज़ की थी गुजराती इट्टा किट्टा, वो सक्सेसफुल रही। और एक हफ्ता पहले अभी हमने दूसरा पोस्टर हिंदी फिल्म का रिलीज़ किया है। तो बप्पा ने हर कामना हमारी पूरी की है। साथ में हम लोग बप्पा का आशीर्वाद परिवार पे भी बना रहे। हर चीज़ उन्होंने पूरी की और आने से पहले ही वो पूरी की है उन्होंने। अभी जिस तरह से आपके घर में भी आगमन हो गया है तो अभी आपका आने वाले प्रोजेक्ट में भी आशीर्वाद तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले आपके जो प्रोजेक्ट्स क्या है अभी? अभी हम लोग एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं जिसकी शूटिंग हम लोग नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं 2025 मार्च में। और उसके साथ मेरे कुछ पंजाबी प्रोजेक्ट्स पे भी बात चल रही है। तो आई थिंक 2025 जो है हमारा वो सक्सेसफुल होने वाला है। 9 नंबर का साल है और हम लोग पे बप्पा की कृपा बनी रहे। आज हम पूरी पूजा में उसमें वो करेंगे कि ये वर्ष उनके लिए और अगला वर्ष वो हमारे लिए प्लान कर दें बस। ये है चांदनी जी, तमाम मुंबईकर और देश के जितने भी लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहूँगा? पहले तो मैं सभी देशवासियों को गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी, हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। गणपति बप्पा मोरया। और महाराष्ट्र के तो सभी हर घर में आज गणपति रखे गए हैं। भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे और ये विघ्न हरता हैं, सबके विघ्न हरें। और शुभता की जब गणपति बप्पा आते हैं तो कहा जाता है कि शुभता उस घर में आती है। तो हमारे घर में शुभ और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे बस यही मेरी पापा से कामना है। नीरज जी क्या कहना चाहते हो आज गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल में तमाम मुंबई कर और सब? मुझे लगता है एक बहुत पावन त्यौहार है और गणपति का आगमन ही जो है उनका नाम ही विघ्न हरता है। तो आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक उनको सब पता है। तो और मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि जब जब हम भगवान को प्रतिष्ठित करें कुछ मांगना ही होता है। समटाइम्स वी शुड जस्ट से थैंक यू, क्योंकि जो ऑलरेडी इतना कुछ दिया है
उसका धन्यवाद करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। आपके और चांदनी जी के चेहरे पे अलग ही खुशी है पापा के बाद घर की जो एनर्जी भी वो काफ़ी चेंज जी 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 तो क्या कहना चाहते हो आप इस पर? नहीं, वो देखिए आपके घर में जैसे ही उनका आगमन होता है घर की एनर्जी चेंज होती है, बहुत जो नेगेटिविटी आपके आसपास होती है क्योंकि सांसारिक रूप से आप बहुत से लोगों से मिलते हैं तो नेगेटिविटी जितनी होती है वो आते हैं वो सब समाहित करके अपने साथ ले जाते हैं और बहा देते हैं। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कुछ मैसेज क्या देना चाहता हूँ? मैं अपने जितने मेरा परिवार है यहाँ पे है हिमाचल में है, मैं उनको और जो मेरे मुंबई में महाराष्ट्र में जितने भी मेरे मित्र हैं मैं उन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ विघ्नहर्ता उन सब के विघ्न हर दे।